हेलो, मैं हूँ फरमान। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ऑटो कैड में सर्किल को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। देखिए, इसे ड्रॉ करने के कितने मेथड हैं, ये मैं आपको एक एक करके इसमें समझाऊँगा। पहले, जैसे सेंटर पॉइंट और रेडियस देके सर्किल को बनाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन इसमें है सेंटर पॉइंट या डायमीटर स्पेसिफाई करके सर्किल बनाया जा सकता है। और एक ऑप्शन इसका है टू पी, यानी कि टू पॉइंट सर्किल बनाया जा सकता है। टू पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तब सर्किल बनाया जा सकता है। दूसरा इसमें है थ्री पी, थ्री पॉइंट सर्किल, यानी कि आप तीन पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तब सर्किल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एक है इसमें टी टी आर, टी टी आर जो है इसमें है टेन टेन रेडियस सर्किल, यानी कि दो आपको टेंजेंट बताने हैं और फिर जितनी आपको सर्किल की रेडियस रखनी है इतना आप रेडियस डाल लें, एक सर्किल क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है ट्रिपल टेन ऑप्शन, टेन 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 टेन। इसमें क्या करना है, किसी सर्किल को बनाने के लिए हमें तीन टेंजेंट स्पेसिफाई करने हैं, उनको टच करता हुआ एक सर्किल क्रिएट हो जाता है जिसमें ना रेडियस देने की ज़रूरत है, ना एरिया, ना डायमीटर, ना सर्कमफ्रेंस। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज़, जिससे हम सी एच एम ओ या कंट्रोल प्लस वन, ये इसके शॉर्ट कीज हैं, इनका यूज़ करके एक प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। उससे सर्किल की हम प्रॉपर्टी को कैसे चेक करते हैं, जिसमें वहाँ पे सेंटर पॉइंट का जो एड्रेस है वो दिया गया होता है, इसकी रेडियस, डायमीटर और सर्कमफ्रेंस, ये सब दिया हुआ होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल को कैसे बना सकते हैं। कमांड लाइन पे अगर हम सी टाइप करके एक एंटर प्रेस करें, इसके बाद हमें एक सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करना है किसी भी जगह पॉइंटर से क्लिक करके। अब इसमें आप रेडियस डाल दीजिए, सपोज़ आपको 20 या 30 इतने रेडियस का एक सर्किल बनाना है, तो आपने इसमें 30 रेडियस डाल दी यहाँ पे और एक एंटर लगा दिया, तो ये सर्किल जनरेट हो गया। अगर हम चाहते हैं कि डायमीटर स्पेसिफाई करके एक सर्किल बनाएं, तो इसके लिए हम सी एंटर करेंगे और ड्राइंग एरिया में कहीं पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और इस बार हमें क्या देनी थी, रेडियस। आप कमांड लाइन पर देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्किल, तो रेडियस ना दे के डायमीटर जो सब कमांड है उसे चलाने के लिए जो पहला इसका कैरेक्टर होता है कैपिटल डी, डी प्रेस करेंगे यहाँ पे और एक एंटर लगा देंगे। अब हमें क्या स्पेसिफाई करना है, इसकी डायमीटर। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कमांड लाइन पे स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्किल। सपोज मैंने यहाँ पे 50 इसमें स्पेसिफाई किया और एक एंटर लगा दिया, ये 50 डाया का सर्किल बन गया। अगर मैं टू पॉइंट से सर्किल बनाना चाहूँ तो मैं क्या करना होगा, मैं यहाँ पे सी एंटर करना होगा, यानी कि कमांड लाइन पे सी एंटर करते हैं और टू पॉइंट के लिए 2P एंटर करते हैं सब कमांड से। ये आप देख सकते हैं लेंड में लेफ्ट साइड में P1 P2 एक सर्किल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट फिर हमने सर्किल कमांड चला दी यहाँ पे और इस बार मैंने 3 पॉइंट के लिए 3P एंटर किया यहाँ पे और 0.1 0.2 0.3 जहाँ पे भी मैं क्लिक कर दूंगा ये सर्किल जनरेट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें TTR 10-10 रेडियस। इसके लिए क्या करना होगा मुझे, सपोज़ एक लाइन मेरी ये है और एक लाइन ये है, मैं चाहता हूँ कि इस टेंजेंट से टच करता हुआ और इस टेंजेंट से टच करता हुआ एक सर्किल क्रिएट हो जाए यहाँ पे, जिसके रेडियस जो भी मैं बताऊँ ये। तो सी प्रेस करूँगा यहाँ पे, एक एंटर लगाऊँगा और टेन टेन रेडियस के लिए टी एंटर करूँगा यहाँ पे। और जैसे मैंने ये बताया कि इस टेंजेंट से टच करता हुआ और इस टेंजेंट से टच करता हुआ एक सर्किल जनरेट हो जाए, सर्किल क्रिएट हो जाए, जिसकी रेडियस कितनी हुई यहाँ पे 25, ये सर्किल यहाँ क्रिएट हो गया। नेक्स्ट एक ऑप्शन होता है इसके अंदर ट्रिपल टेन, उसे बनाने के लिए पहले एक टेंजेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट करते हैं लाइन से ही। मैंने यहाँ पे एक ये फिगर बनाई और अब क्या किया, जो ट्रिपल टेन ऑप्शन है वो यहाँ पे तो नहीं, इसके लिए मुझे ड्रॉ मेन्यू के अंदर जाना होगा और ड्रॉ मेन्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्किल को, और सर्किल के अंदर अब तक जितनी भी कमांड्स मैंने की सर्किल की वो सब यहाँ पे हैं, एक ट्रिपल टेन अलग है यहाँ पे। तो इससे हम क्या करते हैं, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तीन टेंजेंट बताए और एक सर्किल यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसमें ना हमें रेडियस बताने की ज़रूरत है, ना हमें इसके जो है ना डायमीटर बताने की ज़रूरत है, ना इसका एरिया बताने की ज़रूरत है सर्किल का, और ना सर्कमफ्रेंस बताने की ज़रूरत है। इससे जो है ना एक सर्किल यहाँ पे हमारा क्रिएट हो जाता है। और ये जो टेंजेंट मैंने दिए, टेंजेंट ऐसा नहीं कि इसको कोई लाइन या सर्किल, ये किसी को भी टेंजेंट मान सकता है, टेंजेंट तो ये किसी को भी मान सकता है ये। आप ट्रिपल टेन के लिए ड्रॉ मेन्यू में एक बार फिर जाइए यहाँ पे और सर्किल, सर्किल इसमें टेन टेन टेन, एक मैंने टेंजेंट ये बताया,
एक टेंजेंट ये बताया, एक टेंजेंट ये बताया, तीन टेंजेंट इसे कहीं भी मिल जाए ये उसे जो है ना जनरेट कर सकता है, उसे टच करके ये सर्किल बना सकता है। नेक्स्ट हमें चेक करना है इसकी प्रॉपर्टीज, CHMO कंट्रोल वन। इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए क्या होगा, एक कमांड चलानी होगी, यानी कि सर्किल की प्रॉपर्टी चेक करनी है तो कंट्रोल वन कर दूंगा मैं यहाँ पे शॉर्ट में। कंट्रोल वन करने से जो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज, एक विंडो ओपन हो जाती है यहाँ पे। तो इस विंडो को आप जो है ना इसमें इसकी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए ऑब्जेक्टिव, अभी क्या बताया इसमें सबसे ऊपर जैसे नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन इसलिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, अगर मैं सर्किल को सिलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सर्किल। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पे 3D या जर्नल या ज्योमेट्री, तो इसकी कंप्लीट यहाँ पे प्रॉपर्टी आ गई जिसे हमें देखना है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सेंटर पॉइंट जो इसका एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है वो ये जेड जीरो है, क्योंकि जब तक हम 2D में काम करेंगे तो जेड जीरो ही रहेगा। रेडियस 25, डाया 50, सरकमफ्रेंस उसको परिधि बोलते हैं 157, एरिया ये 1963.50। अगर मैं यहाँ से किसी में भी चेंजिंग करना चाहूँ तो चेंजिंग हो जाएगी। रेडियस में चाहता हूँ कि 20 करनी है तो 20 हो जाएगी, लेकिन जैसे ही रेडियस इफेक्ट रेडियस मैंने यहाँ पे चेंज की तो आप देख सकते हैं इफेक्ट उसका हर जगह हुआ। सही बात है, होना भी चाहिए, डाया भी कम हो गई, सरकमफ्रेंस भी और एरिया भी। लेकिन रिक्वायरमेंट अगर यह मैं 50 डाया होनी चाहिए मेरी सर्किल की, तो मैंने यहाँ पे 50 किया और 50 डाया का सर्किल। इनमें से कोई भी रिक्वायरमेंट, सरकमफ्रेंस चाहता हूँ कि सरकमफ्रेंस इसकी 200 हो, एक ऐसा सर्किल बन जाए, तो फिर सरकमफ्रेंस जितनी हो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सरकमफ्रेंस 200 डाल दी तो उससे सर्किल ऑटोमेटिक जो ना ये प्रॉपर्टीज की चेंज हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि एरिया इसका 3000 होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे 3000 टाइप किया और एक एंटर लगाया तो 3000 हो गया। देखिए अगर यहाँ से आप किसी भी चीज़ की किसी भी पैरामीटर को यहाँ से चेंज करते हैं अगर, तो ऑटोमेटिक ये बाकी सब प्रॉपर्टीज़ की चेंज हो जाती है सर्किल में, ये सब चीज़ें इसमें चेंज हो जाया करती है। ये सर्किल की प्रॉपर्टी थी जो मैंने आपको बताया, सर्किल ड्रॉ करना बताया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा आर्क को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑटोकैड को, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ऑटोकैड को मैं इसमें जो है ना आपको सिखा दूंगा। इसके साथ साथ जितने भी सॉफ्टवेयर मैंने इसमें डिटेल्स में दिए हुए हैं आप देख सकते हैं चैनल में नीचे, जो मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है बहुत सारे सॉफ्टवेयर से, वो सब यहाँ तक कि साइट सुपरविजन या साइट कंस्ट्रक्शन की जो डिटेल्स है, जो वीडियो है, जो ट्यूटोरियल है, जैसे काम किया जा सकता है वहाँ पे काम को होता हुआ आप देख सकते हैं, वो सब मैं आपको इसमें सब कुछ बताऊँगा। और आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक एक बार बेल का जो आइकन है उसको नहीं दबाया तो आप उसे दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरे आने वाले अगले नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स वो सभी मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, जितना भी हो सके व्हाट्सएप या फेसबुक पे आपसे शेयर करें।